एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद पहली बार पब्लिक अपीयरेंस देती नजर आएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिल्पा वी फॉर इंडिया के जरिए वो 15 अगस्त को फेसबुक लाइव करेंगी। हाल ही में राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्में बनाने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। राज कुंद्रा की याचिका अब हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। शिल्पा के अलावा इस कैंपेन में अर्जुन कपूर, विद्या बालन, दिया मिर्जा, एड शीरन, करण जौहर, परिणीति चोपड़ा, सैफ अली खान, सारा अली खान, सिंगर एआर रहमान, रोलिंग स्टोन्स के मिक जैगर, गायक गीतकार एड शीरन शामिल होंगे। ये सभी सितारे स्वतंत्रता दिवस को गिव इंडिया के कोविड-19 राहत मिशन के लिए 25 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जुटाने के लिए एकजुट होंगे। कैंपेन द्वारा जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल आम लोगों को कोरोना वायरस महामारी के कारण हो रही परेशानियों में राहत देने, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आवश्यक दवाएं और आईसीयू यूनिट जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा। फंड टीकाकरण केंद्रों के स्टाफ के मदद के लिए भी किया जाएगा। हाल ही में शिल्पा शेट्टी पहली बार इस पूरे विवाद पर चुप्पी तोड़ चुकी हैं। एक्ट्रेस ने एक बयान जारी करते हुए लिखा था कि वो इस मामले पर अभी तक चुप रहेंगी, क्योंकि ये मामला अभी कोर्ट में है। एक्ट्रेस ने लिखा कि मैंने इस मामले पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है, आगे भी नहीं करूंगी, क्योंकि ये मामला अभी कोर्ट में है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हाँ, पिछले कुछ दिन मेरे लिए बहुत मुश्किलें भरे रहे। मैंने और मेरे परिवार ने बहुत कुछ देखा, मुझे ट्रोल किया गया, सिर्फ मुझे ही नहीं मेरे परिवार को भी इसमें घसीटा गया है। जी हाँ, तो आपको इसको लेकर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सुरभि की रिपोर्ट।